स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर फिजिक्स लैब। आज हम 12th क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हाउस होल्ड सर्किट किस तरह से बनाए होते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या क्या लिए हैं, 3 बल्ब और 3 होल्डर और 3 स्विच और 1 फ्यूज। इनको हमें देखना है किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। और एक ये हमारे पास ये पिन है, 2 पिन। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना जो यहाँ पे ऊपर सॉकेट है प्लग, इससे हम इस पिन को लगा करके यहाँ से हम ये मेन अपनी लाइन ले लेंगे। तो ये हमारी मेन लाइन हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम आगे इस तरह से इनको बनाते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया है, ये जो स्क्रू यहाँ लग रहे हैं इसको हमने खोल दिए हैं और अंदर से भी इसका कनेक्शन हटा दिए हैं। तो हमारे बल्ब फूटे नहीं, इसलिए हम इनको हटा देते हैं और फिर लास्ट में हम इसको लगा करके चेक करेंगे। तो हम इनको यहाँ पे रख देते हैं। और अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि वायरिंग क्या है, किस तरह से की जाती है। तो एक तरह से देख पा रहे हैं काफ़ी ये उलझे उलझे से वायर लग रहे हैं। तो आराम से हम इसको समझते हैं, बहुत इजी है, सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या बताया जाता है कि ये जो अपना होल्डर है या हमारा जो भी ऑपरेटर्स है, उसके हमें जो स्विच लगाना है वो कहाँ लगाते हैं, उसके सीरीज में लगाते हैं। और फाइनली जो अपना ऑपरेटर्स है उसको कहाँ लगाना होता है, जो अपनी मेन लाइन है उसके पैरेलल में लगाना होता है। यानी ये तीनों जो बल्ब है कहाँ लगेंगे, पैरेलल के अंदर लगेंगे। किसके पैरेलल में लगेंगे, जो ये हमारी मेन लाइन आ रही है इसके पैरेलल के अंदर सारा हमें लगाना है। और अपना जो ये फ्यूज है ये कहाँ लगा होता है, सीरीज के अंदर लगा होता है। कौन से वायर के सीरीज में लगा होता है, जो रेड वाला वायर है यानी अपना जो लाइव वायर है इसके सीरीज के अंदर हमें फ्यूज लगाना होता है, न्यूट्रल के अंदर हमें फ्यूज नहीं लगाना होता है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट अपने जो सर्किट है इसके अंदर फ्लो हो रही है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ से ये वायर जो है काफ़ी नरम होता है और ज़्यादा इसके अंदर अगर हीट हो गई, इससे करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ये पिघल करके टूट जाता है। तो ये क्या करता है, सेफ्टी का काम करता है। तो इसको इस तरह से लगा दिया हमने। सबसे पहले फ्यूज से हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया ये हमारी मेन लाइन आ रही है, 240 वोल्ट आती है इसके अंदर। और इसका जो रेड वाला है यानी लाइव वायर है, इसको हमने क्या किया, फ्यूज के अंदर दिया और सीरीज के अंदर हमने फ्यूज लगा दिया। और फिर हमें क्या हुआ, फिर से ये वायर मिल गया। तो ये हमारी क्या हो गई, मेन लाइन हो गई। अब इसके अंदर हमें ये तीनों बल्ब कनेक्ट करने हैं। तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो अपना होल्डर है इसको देखते हैं। तो होल्डर के अंदर 2 पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 वायर जोड़ दिए हैं। तो एक ब्लैक वाला वायर है, एक रेड वाला वायर है। और ब्लैक वाला होता है न्यूट्रल, इसको हमने क्या क्या दिया और इसको हमने किस में ऐड कर दिया, जो हमारी मेन लाइन है इसका जो न्यूट्रल है यानी इसके अंदर हमने इसको लगा दिया इस तरह से। और जो अपना रेड वाला वायर है उसके अंदर क्या किया, हमने स्विच को लगाया सीरीज के अंदर। यानी अपना जो स्विच होता है वो क्या होता है, लाइव जो वायर होता है उसके सीरीज के अंदर लगा होता है। तो ये अपना होल्डर और इसके सीरीज के अंदर ये हमने लगा दिया स्विच। और फिर से हमें ये क्या मिल गया, एक आउटपुट वायर मिल गया। और इसका जो ये वायर है रेड वाला, इसको हमने क्या किया, जो अपना मेन लाइन से आ रहा है फ्यूज से होकर के, इससे हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा पहला स्विच क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जो अपना तीनों जो है होल्डर और स्विच, उनको इस तरह से हम जोड़ रहे हैं। तो देख पा रहे हैं जो हमारा दूसरा जो होल्डर है इससे ये 2 वायर आ रहे हैं। तो ये ब्लैक वाला वायर क्या होगा, डायरेक्ट हमें न्यूट्रल में देना है, इसके अंदर हमें स्विच नहीं लगाना है। तो हम तीनों के जो ब्लैक वायर है उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो मेन लाइन से न्यूट्रल आ रहा है उसके अंदर हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे तीनों न्यूट्रल एक साथ जुड़ गए हैं। अब हमारा जो ये फेस वाले जो वायर है तीनों होल्डर के, ये वाला हमने पहले जोड़ दिया, ये वाला और अपना जो थर्ड वाला होल्डर है इसका ये वाला वायर, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम स्विच लगा रहे हैं। तो लाइव वाला जो वायर है इसके अंदर स्विच लगा दिया हमने। तो स्विच लगाने के बाद एक हमें मिल रहा है ये वाला वायर और एक हमें मिल रहा है ये वाला वायर। तो ये जो वायर है इनको भी क्या किया हमने, जो मेन लाइन से हमारा जो लाइव वायर आ रहा है उसके अंदर हमने इसको जोड़ दिया। और ये वाला जो लाइव वायर था ये अपने फेज फ्यूज से होकर के आ रहा था। तो सिंपल सा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा गुच्छा हो गया समझने में। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। तो फिर से देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 वायर है मेन लाइन के 240 वोल्ट और जो अपना लाइव वायर है इसके अंदर हमने लगाया फ्यूज। फ्यूज से फिर से ये अपने को मिल गया लाइव वायर और ये अपना न्यूट्रल वायर, ये दोनों मेन लाइन हो गई। अब मेन लाइन के अंदर क्या किया हमने, जितने भी अपने बल्ब वगैरह जो लगाने हैं उन सबका न्यूट्रल हमने डायरेक्ट न्यूट्रल में दे दिया, मेन न्यूट्रल में। और जो अपने फेस है वो भी हमें डायरेक्ट अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो बल्ब वगैरह है वो 24 घंटे चालू रह जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज के अंदर हमें स्विच लगाने हैं। तो सभी के सीरीज में हमने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया। बस अब क्या कर देते हैं, हम इन दोनों पॉइंट को हम कवर कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक टेप है, ये लगा देते हैं ताकि ये एक दूसरे को शॉर्ट ना करे। तो हम यहाँ पर टेप मार देते हैं इस तरह से, और इसको हम कट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम इधर भी हम टेप लगा देते हैं। तो ये भी हमारा जो जॉइंट है, यहाँ से ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए अगर ये खुले रहेंगे तो। और बस ये हमारा वायरिंग हो गया आराम से, देख पा रहे हैं ये जो सारे फेस अपने जो मेन लाइन के फेस में मिल रहे हैं और सारे न्यूट्रल का मिल रहे हैं अपने मेन लाइन के न्यूट्रल में मिल रहा है। बस फेस के अंदर क्या कर रखा है हमने, स्विच लगा रखे हैं सीरीज में। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको अपना जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड इसके अंदर रख देते हैं फिलहाल, इसको हम बाद में कस लेंगे, एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से हम क्या कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हमने बल्ब लगा दिए और अब हम क्या कर देते हैं, मेन जो अपनी पिन है इसको हम अपना जो प्लग है इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये हमने पिन लगा दी और ये हमारे चल गए हैं, क्योंकि हमारा जो ये स्विच है, ये दो स्विच चालू हैं, ये वाला स्विच बंद है, तो इसको हम चेक कर देते हैं, ये भी चल गया है। तो देख पा रहे हैं, तो ये हमारा जो फ्यूज़ है इसको किस तरह से सेफ्टी जो है प्रोवाइड कराएगा अगर ये क्या हो जाए, यहाँ से कट हो जाए। तो वैसे चालू लाइन में इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो ये इस तरह से इसको कट कर देगा। और ये हम फ्यूज लगा रहे हैं, तो ये फिर से चल गई। तो इस तरह से ये पूरा अपना जो बोर्ड है इसके लिए क्या करता है, कट कर देता है। और ये जो अपने नॉर्मल स्विच हमारे घरों में लगे होते हैं ये 5 एम्पियर करंट के लिए ठीक होते हैं। अगर हमारा जो हैवी अगर ऑपरेटर्स है, यानी कि अपना रेफ्रिजरेटर है या अपना हॉट प्लेट है, अगर एसी वगैरह है, तो हमें क्या करना होता है, 16 एम्पियर वाले स्विच, बड़े वाले स्विच लगाने होते हैं। तो ये सिंपल सा अपना कनेक्शन था, इजीली हमने इसको समझ लिया और इस तरह से बहुत इजी था ये। यस, अब अगली जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो ओम्स लॉ से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं हम, तो ये जो जितने भी ऑपरेटर्स दिख रहे हैं ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, तो इनको हमें देखना है कि कौन कौन जो है प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। तो ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है और ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। तो बैटरी एलिमिनेटर के प्लस से हमारा वोल्ट मीटर का माइनस कनेक्ट है, ये गलती यहाँ पे ही हो गई। और ये जो अपना वोल्ट मीटर है ये सीरीज में लगा हुआ है, ए मीटर की जगह लगा हुआ है, और अपना ए मीटर जो है वोल्ट मीटर की जगह लगा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस को हमने यहाँ लगाना होता है वोल्ट मीटर के ऊपर, तो इधर लगा दिया, यानी ये पूरा जो व्यवस्था है गड़बड़ है, इसको हमने पहचान लिया है और इसको हम गलतियों को सुधारेंगे। तो पहले क्या करना होता है, हमें इसका डायग्राम बनाना होता है जो हमारा ओपन सर्किट है, यानी हम इसको चालू नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारे ये ऑपरेटर्स ख़राब हो सकते हैं। तो हम इसी का एक बार डायग्राम बना लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, यानी अपना जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने सीरीज में लगे होते हैं और सिर्फ अपना जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वोल्ट मीटर को फ्री कर देते हैं और बाकी जो अपने ऑपरेटर्स हैं उनको हम सीरीज में लगा देते हैं। तो इसको हटा देते हैं और हम डायरेक्ट इस तरह से ही कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अपना ए मीटर सीरीज में लग जाएगा इस तरह से, बैटरी के प्लस से अपना ए मीटर का प्लस। और फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना रेजिस्टेंस आराम से, ये चुभ सकता है आपके उंगली में इसका एंड पॉइंट। तो ये अपना रेजिस्टेंस वायर और फिर इधर से हम दे देते हैं इसको, इसमें हम समझते भी जा रहे हैं और जो अपना इलेक्ट्रिक कंपाउंड होते हैं उनको हम किस तरह से सर्किट बनाते हैं। तो ये अपना रियोस्टेट और ये हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। फिर
इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी की, तो देख पा रहे हैं अभी हमने सर्किट के अंदर क्या कनेक्ट किया है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है और इधर से हमने लगा दिया है मीटर, ये अपना बैटरी एलिमिनेटर और ये हमने की लगा दिए। तो ये सारे जितने भी लगे हुए हैं अपने ऑपरेटर्स, ये सब सीरीज में ही है। हमें लगाना है वोल्ट मीटर, तो अपना वोल्ट मीटर का जो प्लस है हमें क्या करना है, बैटरी एलिमिनेटर के प्लस से देखना है। तो वोल्ट मीटर का प्लस जा करके कहाँ मिल रहा है, अपना बैटरी एलिमिनेटर के माइनस से मिल रहा है। इस तरह से हमें नहीं लगाना है, यानी हमें क्या करना है, ये वाला जो वायर है यूँ लगाना है। थोड़ा सा ये सही कर देते हैं, इस तरह से हमें लगाना रहेगा, अदरवाइज़ हमारा सर्किट गलत हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वायर के अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, सिर्फ अपना जो, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और देख पा रहे हैं, और अब देख पा रहे हैं यूँ, और इस तरह से इसको छीलना रहेगा थोड़ा सा, और यहाँ हम इसको जल्दी से कस देते हैं। तो अब देख पा रहे हैं अपने जो सारे एलिमेंट है ये सब हमने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिए हैं। तो देख पा रहे हैं फिर से अपना बैटरी एलिमेंटर का प्लस कहाँ आ रहा है, एमीटर के प्लस में आ रहा है, और ये प्लस माइनस से निकलता हुआ, यानी ये प्लस ही कहलाएगा वोल्ट मीटर के लिए। तो ये अपने वोल्ट मीटर के प्लस में आ गया और बैटरी एलिमिनेटर का माइनस की में होता हुआ रियोस्टेट में, रियोस्टेट के अंदर यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से आउट होता है, और फिर उसके बाद आ जाता है ये माइनस अपना वोल्ट मीटर के माइनस में, और ये अपना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। तो सारे जो अपने एलिमेंट है प्रॉपरली कनेक्ट हो गए। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। जो हम ओम्स लॉ का जो सर्किट होता है वो वाला सर्किट हमने तैयार कर दिया है, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारी प्लग है, इसको हम ऊपर जो अपना प्लग दे रखा है यहाँ पर, इसके अंदर हम लगा देते हैं और इसको हम ऑन करेंगे। तो ये स्विच पहले से ही ऑन है, इधर अपनी इंडिकेटर चल गया है, और दोनों जो अपने मीटर है एमीटर और वोल्ट मीटर, इनके अंदर रीडिंग आने लग गई है। देख पा रहे हैं इस तरह से जो नीडल है वो मोशन कर रहे हैं, और पास से देखिए, तो पास से देख पा रहे हैं, तो अपने दोनों जो एमीटर और वोल्ट मीटर है उसके अंदर नीडल इस तरह से मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों के अंदर नीडल में मोशन हो रहा है, यानी अपना जो ऑपरेटर्स जो हमने कनेक्ट किए हैं, अपना जो सर्किट हमने बनाया है वो पूरी तरह से सही है। इस तरह से जब हम रियोस्टेट के अंदर करंट की वैल्यू बदलते हैं तो क्या होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर वैल्यू चेंज आती है। तो ये सिंपल सा अपना कनेक्शन बनाना होता है, और इसको हमने सीख लिया। इसको हम बंद कर देते हैं और फिर से हम इसको थोड़ा सा सही सिस्टमेटिक करके देखते हैं। तो ये अपना सर्किट डायग्राम है, इजीली हम इसको समझ गए। हमने अपनी दो एक्टिविटी कंप्लीट की है। तो एक एक्टिविटी अपना जो सर्किट है उसके अंदर कोई गलती है तो उसको हमें पहचान करके उसका डायग्राम बनाना है और उसे सुधारना है, और एक अपना सिंपल सा है कि हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं, यानी बैटरी एलिमिनेटर, वोल्ट मीटर है, मीटर की रियोस्टेट, इसको हमें कनेक्शन करना होता है। तो ये दोनों एक्टिविटी अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो ईज़िली हमने अपनी तीन एक्टिविटी कंप्लीट की। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।